गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपना टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ का जो लेक्चर है हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ है दैट इज़ हाइब्रिड सिक्योरिटीज़। हाइब्रिड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि टू और मोर देन टू का मिक्सचर। तो जो हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ है वो कंबाइन करती है एलिमेंट्स या टू एलिमेंट्स टू और मोर डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के। नॉर्मली डेब्ट और इक्विटी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो सिक्योरिटीज़ हैं, उनके फीचर्स को हाइब्रिड सिक्योरिटी जो है वो गेन करती है। तो ईच टाइप ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटी जो है उसका अपना रिस्क और रिवॉर्ड करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। न्यू हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ की अगर हम बात करें तो टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टर, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स वो इशू होती हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल कहें इजी एग्जिट बॉन्ड विद फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, ये जो है एक हाइब्रिड सिक्योरिटी है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इस बॉन्ड्स पर वो फ्लेक्सिबल होता है और रीसेट एक आफ्टर रेगुलर टाइम पीरियड इंटरवल, जैसे कि हम 6 मंथ्स कह लें तो उसके बाद आप उसे कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो। जो इन्वेस्टर होता है उसे ऑप्शन दिया जाता है, एग्जिट ऑप्शन दिया जाता है कि वो अपनी मनी ले सकता है बिफोर मैच्योरिटी। जो इन बॉन्ड्स का मेन एम होता है दैट इज जो सेगमेंट है वो सेंसिटिव टू इन्फ्लेशन एक सेगमेंट आपका रहता है, और दूसरा जो सेफ्टी चाहता है पर्सन इन द फॉर्म ऑफ एग्जिट ऑप्शन उसे दिया जा रहा है। तो जो इन्वेस्टर है वो फील करता है कि इंटरेस्ट रेट जो इस बॉन्ड्स पे होगा वो कम होगा मार्केट रेट से, लेकिन कभी भी वो आफ्टर लॉक इन पीरियड इस बॉन्ड से एग्जिट कर सकता है। इसके और अदर एग्जांपल्स हम देखें तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, ये भी हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ के एग्जांपल है। जैसे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक प्रेफरेंस शेयर्स की जो फीचर्स हैं वो इंजॉय करते हैं, और आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपके पास ऑप्शन है कि आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में, और देन आप जो इक्विटी शेयर्स के फीचर्स हैं उसको इंजॉय कर सकते हैं। सेम तरीके से कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, पहले आप इंजॉय कर सकते हैं डिबेंचर के फीचर्स को, देन आफ्टर पर्टिकुलर टाइम पीरियड जब आप उसे कन्वर्ट कर लेते हैं अपने ऑप्शन पे तो आप शेयर्स के जो फीचर्स हैं वो इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप ऑफ सिक्योरिटी आता है दैट इज बैंकर्स एक्सेप्टेंस। जब बैंक एक्सेप्ट कर रहा है बिल ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट तो उसे हम बैंकर एक्सेप्टेंस कहते हैं। यहाँ पे जो बैंक होता है वो प्रॉमिस करता है कि वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट जो है ड्यू डेट पे स्पेसिफाइड पर्सन को या वो जो भी वो ऑर्डर देगा उस वो पे करेगा। ये होता है इन द फॉर्म ऑफ टाइम ड्राफ्ट एक्सेप्टेड और गारंटेड बाय अ बैंक। और नॉर्मली जो बैंकर्स एक्सेप्टेंस होती है वो कहाँ यूज़ की जाती है, जब आप ट्रेड कर रहे हैं, वो डोमेस्टिक भी हो सकता है और फॉरेन भी हो सकता है। नॉर्मली जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है तब जो बैंकर्स एक्सेप्टेंस का टूल है वो यूज़ किया जाता है। जैसे जो एक्सपोर्टर है वो डिमांड करेगा बैंकर एक्सेप्टेंस अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, या इंपोर्टर जो एक्सपोर्टर है, जब इंपोर्टर और एक्सपोर्टर है एक दूसरे को नहीं जानते हैं तो जब इंपोर्टर सामान मंगवा रहा है एक्सपोर्टर से तो एक्सपोर्टर सामान भेजने से पहले उससे क्या मांगेगा कि आप मुझे बैंकर्स एक्सेप्टेंस दो कि मेरा पैसा मिल जाएगा। तो जब बैंक इन द फॉर्म ऑफ पेपर जब जो बैंक से एक्सेप्टेंस लेके जो इम्पोर्टर है वो भेजेगा अपने एक्सपोर्टर को तो एक्सपोर्टर उसे सामान भेजेगा और फिर जो एक्सपोर्टर है उस बैंकर एक्सेप्टेंस को यूज़ करके बैंक से जो पेमेंट है वो ले सकता है। देन आता है आपका कमर्शियल बिल्स। कमर्शियल बिल्स बिजनेस यूनिट्स इशू करती हैं इन एक्सचेंज फॉर गुड्स जो भी परचेज या सेल वो कर रहे हैं। ये इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट भी हो सकते हैं या इन द फॉर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकते हैं। अगर बायर इशू कर रहा है तो ये प्रॉमिसरी नोट की फॉर्म में होंगे, जहाँ पे जो बायर है प्रॉमिस करता है कि स्पेसिफाइड अमाउंट वो सेलर को ऑन अ स्पेसिफिक डेट गुड्स परचेज जो उसने की है क्रेडिट पे उसके लिए उसे पे करेगा। अगर ये सेलर इशू कर रहा है तो ये इन द फॉर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, जहाँ पे जो सेलर है वो डायरेक्ट करता है, इंस्ट्रक्शन ऑर्डर देता है बायर को कि एक स्पेसिफाइड अमाउंट आपने स्पेसिफाइड डेट को गुड्स जो आपको सोल्ड की गई है क्रेडिट पे उसके लिए आपने पे करना है। जो बिल होल्डर होता है वो डिस्काउंट करवा सकता है इसको मैच्योरिटी टाइम पीरियड से पहले बैंक से। तो जो बिल
है उसको डिस्काउंट करवा के आप बिफोर ड्यू डेट उसकी पेमेंट भी आप यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो बिल ऑफ एक्सचेंज कमर्शियल वेल्स, ये था हमारा लास्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो इस लेक्चर में यहीं तक हमने करना है, यहीं हम कंक्लूड करेंगे इस लेक्चर को। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स को। थैंक यू सो मच।